हेलो एवरीवन, मैं मेरे दोस्त कुलसर राम सिंह। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल, आपका हम सफर, आपका दोस्त, जो आपको लीगल अधिकारों के बारे में बताता है। काफ़ी चीज़ें होती हैं जिन लोगों को नहीं पता होती, लोगों को नहीं पता होती, उन चीज़ों के बारे में मैं बात करता हूँ। अब जैसे बात कर रहे हैं महिला सुरक्षा की बात, मैंने एक लास्ट में वीडियो बनाया था जो कि कुछ लोगों को कमेंट्स आए थे कि ये वीडियो थोड़ा समझ में नहीं आया, तो आप डिटेल में जाके बनाइए और विस्तार से बनाइए, जिसके लिए मैंने कल चुकी हो गया था, कल सैटरडे था, आज रात में मैंने जाग के सारे नोट्स बनाए और अलग अलग सेक्शन, अलग अलग बुक स्टडी करने के बाद मैंने ये नोट्स बनाया जो आपके साथ शेयर करूँगा, जिसमें मैं ऐसे 11 महिला के अधिकारों के बारे में बताऊँगा जो महिलाओं को नहीं पता होता, जिसके कारण वो शोषण का शिकार होती है। देखिए, महिला सुरक्षा के अधिकार जो हैं वो आप नहीं जानते, जैसे कि आए दिन क्या होता है, जैसे महिलाओं के साथ में आए दिन मारपीट, झगड़े, ऐसी सारी चीज़ें होती रहती हैं। और यहाँ तक तो अब तो चलो चीज़ें सुधर रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं, पहले क्या होता था। जैसे मैं गांव की बात कर रहा हूँ, मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूँ उस गांव, मतलब अभी भी हाँ साक्षरता सही है, यूपी से हूँ, लेकिन वहाँ पर क्या है, पहले क्या होता, आज के 10 साल पहले क्या होता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जेंट्स को, पुरुष को जो मजदूरी होती थी, अगर वो 50 रुपये दी जाती तो महिलाओं को 30 ही दी जाती थी, 40 दी जाती थी, जो कि गलत था, क्योंकि काम तो दोनों उतना करते, कोई 4 रोटी ज़्यादा खाता, कोई कम खाता। इसलिए इसके लिए सरकार ने, जो हमारे कानून डिपार्टमेंट है, जो लीगल डिपार्टमेंट है, जो लीगल मिनिस्ट्री है, उन्होंने काफ़ी सारे रूल बनाए हैं जो औरतों की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जैसे समान मेहनताना का अधिकार जो बनाया गया है, इसके लिए एक्ट बनाया गया था, इक्वल रेम्यूनेशन एक्ट बनाया गया था, प्रावधान बनाया गया था, जिसमें महिलाओं को समान अधिकार दिया जाएगा, समान सैलरी का अधिकार दिया जाएगा। ऐसा नहीं है महिला तो कम काम करेगी या पुरुष तो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसे बनाया गया ताकि इसको पालन किया जा सके, और जो महिलाएँ इन चीज़ों का शोषण हो रहा है, इन चीज़ों से परेशान है, उनसे बच सकें। इसके बाद में जो दूसरा अधिकार आता है वह गरिमा और शालीनता का अधिकार, जो कि एक्चुअली पहले जो आज के हम अगर 50 साल पीछे जाते तो क्या होता था, मतलब महिलाओं को घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे, तो वो चीज़ अलग थी, ठीक है। आज हमारा देश बदल रहा है, हमें आज़ादी के 75 साल हो गए, हम एक नई भारत की कल्पना कर रहे हैं जहाँ पर सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, और ज़रूरी भी है, हमारा संविधान भी कहता है सबको समान अधिकार दिया जाना चाहिए। किसी भी मामले में अगर महिला आरोपी है तो उसका मेडिकल परीक्षण हो रहा है, अगर उसका मेडिकल परीक्षण हो रहा है तो या किसी महिला द्वारा या महिला की मौजूदगी में होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। मतलब अगर कोई महिला, कहने का मतलब ये है, कोई महिला आरोपी है और उसका मेडिकल परीक्षण हो रहा है, भले वो अपराधी है, अगर मेडिकल परीक्षण हो रहा है तो किसी महिला द्वारा होना चाहिए या किसी महिला की मौजूदगी में होना चाहिए, क्योंकि भाई उनकी जो शालीनता, जो उनकी गरिमा है, ठीक है, उनके गरिमा का जो, मतलब सरकार ने उनके गरिमा का, जो हमारे भारतीय कानून है गरिमा का अधिकार जो कि दे रखा है, वो काफ़ी अच्छा होता है, उनको वो चीज़ मिलनी चाहिए, इससे सही रहता, उनको अपमानित महसूस नहीं होना चाहिए। तीसरा जो अपना, जो महिला सुरक्षा से रिलेटेड अपना जो नियम है वो है दफ्तर या कार्यस्थल पर उत्पीड़न से सुरक्षा, जैसे आए दिन देखने को मिलता है दफ्तर या जो भी होता है वहाँ पर, उनको ऐसे नियम बनाए गए हैं कि ताकि उनको कभी भी शर्मिंदगी महसूस न हो, उनका कोई शोषण ना कर सके। और ज़रूरी है, अब ख़ासतौर पर अगर आप मेरा वीडियो कोई महिला देख रही है तो भाई मैं रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो पूरी तक लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको 10 ऐसे सुरक्षा के नियम बताऊँगा जो कि शायद लोगों को, बहुत कम लोगों को पता है, या तो कुछ तो किसी को तो पता ही नहीं है, इसलिए शायद उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो ये चीज़ मैं उनसे ये कहूँगा कि आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आप कोई भारतीय कानून के मुताबिक कोई भी महिला अगर किसी कार्यस्थल पर कार्य कर रही है या दफ्तर में कार्य कर रही है, उसका सारे उत्पीड़न या अनुत्पीड़न उसके साथ में होता है, किसी महिला के साथ में, तो अगर ऐसा होता है तो उनको ये अधिकार दिया गया है कि वो उस अधिकार के खिलाफ जा सकती है, और ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं मिला तो भाई देखिए सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि पुरुष को ज़्यादा, क्योंकि आज जिस क्षेत्रों में महिला को समान अधिकार मिल रहा है उसमें क्षेत्रों में महिलाएं काफ़ी आगे जा रही हैं। अपना जो चौथा घरेलू हिंसा के खिलाफ
अधिकार है। जैसे तो जैसे कि मैं बात कर रहा था जो कार्यस्थल पर उनके साथ यौन उत्पीड़न या शारीरिक उत्पीड़न या मानसिक उत्पीड़न होता तो शिकायत दर्ज करने के अधिकार हैं इस जिस बहुत ऐसे कानून के तहत, भारतीय कानून के तहत महिलाएं 3 महीने की अवधि के भीतर ब्रांच ऑफिस में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ICC को भी लिखित शिकायत दे सकती हैं। एक कमेटी बनाई गई है जिसका नाम मैं दोबारा बोलना चाहूँगा, ऑफिस में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ICC के पास लिखित शिकायत दे सकती है अगर उनके साथ यौन उत्पीड़न होता है कार्यस्थल पर। चौथा है घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार। अगर भारतीय महिला के साथ में, ठीक है, जो भारतीय महिला है, भारतीय नागरिक है, उसके खिलाफ घरेलू हिंसा का शिकार होती है तो ICC की सेक्शन 498 ये कहता है कि किसी भी पत्नी के साथ में, किसी भी महिला के साथ में, ठीक है, महिला लिव इन रिलेशन या पार्टनर, किसी ऐसा नहीं है, जो महिलाएं शादीशुदा हैं वही इस कंप्लेंट को कर सकती हैं, वो महिलाएं भी कर सकते हैं जो लिव इन रिलेशन में रह रही हैं पति या उनका जो पार्टनर है उनके साथ कर शारीरिक मानसिक किसी भी तरह से वो उनका शोषण नहीं कर सकता। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं और ये हमारे भारतीय संविधान में दिया गया है, इनसे और इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकती हैं। और इसको आप ऐसा नहीं है कोई मेल या मेल इन पार्टनर में या रिश्तेदार अपने परिवार के महिलाओं के साथ खिलाफ जुबानी आर्थिक जज्बाती या यौन हिंसा नहीं कर सकता, आरोपी को उसको गैर जमानती कारावास की सजा हो सकती है। भाई अगर ऐसा कोई करता है किसी महिला को, चाहे वो लिव इन रिलेशन में हो या चाहे हस्बैंड वाइफ हो या किसी भी महिला को परिवार की महिला हो, तो उसके साथ ऐसा नहीं किया जा सकता, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। पहचान जाहिर नहीं करने का अधिकार, कोई महिला अधिकार, कोई महिला है जिसके खिलाफ देखिए उनका जो एक पहचान होता है, कभी भी कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे या कुछ घटनाएं से घटित हो जाती हैं जहाँ पे उनको पहचान जाहिर करने का अधिकार जो होता है उसको छिपाया जाता है कि उनको पार्टनर उस महिला को पहचान छिपाने के भी अधिकार है। जैसे कुछ हो जाता है किसी भी महिला के निजता को सुरक्षा का अधिकार हमारे भारतीय कानून में दर्ज है, ऐसा कहा गया, ऐसा हमारे भारतीय कानून में। अगर कोई भी महिला यौन उत्पीड़न का शिकार हुई है तो मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करा सकती है और किसी पुलिस मना अधिकारी की मजबूरी, मतलब जिस समय वो मजिस्ट्रेट के सामने भी अगर बयान दर्ज करवा रही तो उसमें किसी भी महिला पुलिस कांस्टेबल की मजबूरी होना बहुत ज़रूरी है। आपका जो छठवां आ रहा है मुक्त कानूनी मदद का अधिकार, जो महिलाओं को, अगर महिलाओं के साथ में कोई अपराध ऐसा होता है चाहे संगीन अपराध होता है तो उसमें लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के मुताबिक बलात्कार या शिकार की महिला के मुक्त कानूनी सलाह पाने का अधिकार है। इसके लिए वो महिला, मतलब इसके लिए किसी भी महिला अफसर, महिला लीगल अफसर, मतलब जो किसी भी महिला की नियुक्ति की जाएगी, अगर महिला का केस है तो महिला ही कंफर्टेबल होगी, ठीक है, वो काफ़ी क्योंकि सही रहता है तो इसलिए भी उसकी भी व्यवस्था की गई है। साथ में आप जो अपना लास्ट है, सातवां है, लास्ट नहीं, इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी सातवां चल रहा है, सातवां है रात में महिला को नहीं कर सकते अरेस्ट, जो कि काफ़ी फेमस चीज़ें हैं। इस चीज़ को मैक्सिमम लोगों को पता होता है कि सूरज ढलने के बाद किसी भी महिला को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, और सुबह सूरज निकलने से पहले, और अगर अरेस्ट भी करेंगे या अगर इंक्वायरी भी कर रहा है कोई पुलिस वाला तो उसके या कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट का आदमी अगर इंक्वायरी करा तो उसके साथ में महिला होना चाहिए या उस आरोपी महिला के घर का कोई महिला सदस्य होना चाहिए। जो आपका आठवां आता है वर्चुअल शिकायत करने का अधिकार, कोई भी महिला कार्यस्थल पे या कहीं भी अगर उसके साथ में उसको लगता है कि उसके साथ शोषण हो रहा है, मानसिक शारीरिक यौन शोषण किसी भी तरह का शोषण हो रहा है तो उसको लगता है कि ऐसा हो रहा है तो वो वर्चुअल शिकायत भी दर्ज करा सकती है, चाहे मेल से, चाहे रजिस्टर्ड पोस्ट से या नॉर्मल पोस्ट से भी अपना कंप्लेंट दर्ज करवा सकती है। और जो आपका नौवां है अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता, महिला का पीछा नहीं कर सकते, नंबर एक ICC की धारा 394D किसी भी महिला को किसी भी तरह से आप परेशान नहीं कर सकते, उसका पीछा नहीं कर सकते, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से चाहे इंटरनेट व्हाट्सएप सोशल मीडिया के माध्यम से उसका पीछा नहीं कर सकते। कहीं से भी अगर साबित हो जाता है कि आप उसका पीछा कर रहे हैं तो आप सजा के भोगी होंगे। 394D में इसका विस्तार दिया गया है, ICC के सेक्शन
394D में, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आप किसी भी तरह से उसको नहीं कर सकते हैं, उसको आप परेशान नहीं कर सकते हैं। और जो लास्ट है वो है 0 FIR का अधिकार। जी हाँ, अभी मैंने एक 0 FIR से रिलेटेड वीडियो भी बनाया था, जिसके विस्तार में नहीं बताया था, खाली काफ़ी शॉर्टकट में बताया था, मैं विस्तार से बता रहा हूँ। जैसे कोई महिला कहीं बाहर गई हुई है, ठीक है, कहीं बाहर घूमने गई है, कहीं भी गई है, टूर पे गई है, जैसे भी गई है, ठीक है, उसके साथ कोई संगीन अपराध हो जाता है, उसके साथ क्या कोई संगीन अपराध अगर हो जाता है, तो वो महिला कहीं भी FIR रजिस्टर करवा सकती है। अब जैसे कोई पर्टिकुलर ए नाम की महिला कहीं घूमने गई है, अब उसके साथ कोई संगीन अपराध हो गया, कॉन्स्टेबल ऑफेंस हो जाता है, तो अब जब वो पुलिस स्टेशन गई, नज़दीकी पुलिस स्टेशन गई, तो पता चला कि जिस एरिया में उसके साथ संगीन अपराध हुआ है वो एरिया किसी और थाने में आता है, किसी और पुलिस स्टेशन की जुडिशरी में आता है। तो उस समय हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट का खास आदेश है कि जो महिला उस नज़दीकी थाने में 0 FIR लिखवा सकती है, 0 FIR का प्रावधान होता है, ख़ासतौर पर जब संगीन अपराध होते हैं, क्योंकि उस समय सबूत मिटाने का भी डर होता है कि कोई सबूत ना मिटा दे, जो आरोपी होता है आरोपी के भागने का डर होता है, इसलिए 0 FIR का प्रावधान किया गया है। बाद में उस वो पुलिस स्टेशन क्या करता है, उस FIR को संबंधित पुलिस स्टेशन में ट्रांसफ़र कर देता है, जरूरत पड़ने पर वो जो फर्स्ट पुलिस स्टेशन है वो क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन भी करता है। तो ये काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक हम बात कर रहे थे, 11 ऐसे चीज़ों के बारे में हमने आपसे बात डिस्कस किया जो ऐसे महिला सुरक्षा से रिलेटेड, क्योंकि जो महिलाओं को नहीं पता है, तो अगर इन चीज़ को अगर वो जान जाएंगे तो आगे फ्यूचर में ये रहेगा कि अगर उनके साथ ऐसी कोई घटनाएं घटित होती हैं तो वो इनका फ़ायदा उठा सकते हैं, जो हमारे सरकार द्वारा हमारे भारतीय कानून द्वारा उनको मुहैया करवाया गया है, इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए वीडियो अच्छी लगी होगी तो हाँ ज़रूर लाइक करना, क्योंकि हम ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके रात रात जग कर सारे फैक्ट सारे पॉइंट को इकट्ठा करते हैं, उसके बाद में हम वीडियो बनाते हैं, तो आप लाइक ज़रूर कीजिए। नए हैं अगर ऐसे महिला सुरक्षा या अपने भारतीय कानून से रिलेटेड कोई भी आपका सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या हमारी आप ईमेल आईडी पे आके आप हमें मेल कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है या आपका जो सवाल है प्राइवेट रखा जाता है, हमारी ईमेल आईडी पर आपका हम मेल कर सकते हैं, आपको समाधान बताया जाएगा। जी हाँ, और बिल्कुल फ्री होगा, इसमें कोई भी आपसे कोई कॉस्ट नहीं लिया जाएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।